हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के मनान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्ष स्थल मेरे तीव्र बाणों से। शस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नाग पाश दियो डार। अभिनंदन, अभिनंदन, राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। प्रभु, मेघनाद मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है, लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना। परंतु अनीति की राह पर चलकर रहे लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी। अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। हे गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के मनान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्ष स्थल मेरे तीव्र बाणों से।
संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय, चकित सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सम्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। राघवेंद्र
क्षण से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही है उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया, अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नाग पाश दियो डार। प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंधकर धर्मशाही हो गए। प्रभु अयोध्या पति मूर्छित हो गए। अरे अरे लक्ष्मण जी आहत हो गए, क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी आपका कहना सत्य था, इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा, सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो, जाओ जाकर उत्सव मनाओ।
को सचेत करें, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में तन हारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान, आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया के शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े हैं। ऐसे में आप किस सोच में पड़े हैं? नारद जी, स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा ना अस्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है, क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा, अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगे। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। चलो पवन पुत्र, तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत
विचार। नारायण के दर्शन होंगे धन धन भाग हमारे, धन धन भाग हमारे। बस एक झलक की ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे, धन धन भाग हमारे। श्रीमन्नारायण गरिमा गायन निज दिन तीनों भुवन करे, भव भव भय भंजन नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे। प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी, पाप ताप संताप हरे। नित नारद शारद शेष महेश्वर, पार न पावे ध्यान धरे। मोहे दूजी चाहन करी के वाहन, राखो संग तिहारे, धन धन भाग हमारे। वो देखो पवन पुत्र बजरंगबली अंजने आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। नारायणाय तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय।
क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पाश सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे। प्रभु का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो, सेवा को अब सर मोह दीन हो, बहुत अनुग्रह मो पर कीन हो, राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा नाथ ही कियो प्रणाम, वेद ध्वन कर तो भयो गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे शांताकारं तुभ्यं नमामि।